दोस्तों पहली नजर में देखने पर युकेंडो और पावर रेंजर्स में डिफरेंस नजर ही नहीं आता। सेम तरह के सूट्स जिनके अलग अलग कलर्स हैं, दुश्मन कैरेक्टर्स के डिजाइन भी ऑलमोस्ट सेम हैं और अपने सूट वाले फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए हीरोज को एक डिवाइस का इस्तेमाल करना होता है, राइट। लेकिन 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 एक बार ढंग से देखने पर आपको इनके बीच का असली अंतर पता चलेगा। अब सबसे पहली बात तो यह है कि युकेंडो में तीन मेन हीरोज हैं। इन तीनों के पास एक डिवाइस है जिसमें कीज डालकर वो अपने सुपर हीरो फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन फर्क यह है कि वो जिन डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं ना, उनकी अपनी एक पर्सनालिटी है जिससे हमारे हीरोज बात भी कर सकते हैं। अब असल में स्टोरी यह है कि युकेंडो, युकानो और युजिनो की पावर्स कई जनरेशन से कुछ स्पेशल तीन लोगों को दी जा रही है। अब करंट स्टोरी में हमारा युकेंडो होता है केंजी, युगानो होता है फुडुओ और युजिनो होता है कोइशी। लेकिन इन तीनों से पहले जो लोग युकेंडो, युगानो और युजिनो थे, उनकी पर्सनालिटीज इन डिवाइस में आ गई थी ताकि आगे की जनरेशन को मदद मिल सके। अब स्टोरी के मुताबिक गेकेक्यू के नाम के एक आदमी केंजी से पहले युकेंडो का हीरो हुआ करता था, लेकिन उस वक्त केवल वो ही था जो अपने अल्टीमेट फॉर्म में कन्वर्ट हो पाया था। युगानो और युजिनो उस वक्त अपने बेस फॉर्म में ही थे, इसलिए वो सीरीज का मेन विलन डायमो को हरा नहीं पाए थे। और तब उन्होंने डायमो को एक अंडे के अंदर कैद कर लिया और खुद युकेंडो, युगानो और युजिनो के डिवाइस में तब्दील हो गए। अब इन तीनों ने डिसाइड किया कि वो खुद अपने आगे आने वाले हीरोज को चुनेंगे। अब मुझे आपका तो पता नहीं, लेकिन युकेंडो की ये कहानी मुझे किसी भी पावर रेंजर सीरीज से ज्यादा अच्छी लगी थी। मतलब जो डिवाइसेस हमारे हीरोज को पावर्स दे रही थी ना, उनकी भी स्टोरी अच्छे से समझाया गया था। आज मैं कोइची, फुडुओ और केंजी की पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ। इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि पूरी स्टोरी में इन तीनों को कौन कौन सी पावर्स मिली थी। तो हेलो गाइस, मैं हूँ कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। नंबर वन, कोइची युजिनो। कोइची यानी कि युजिनो ब्लैक कलर का सूट पहनने वाला हीरो है। अब ये एक लौता वॉरियर है जो शॉर्ट का मेंबर नहीं है। शॉर्ट वो ऑर्गेनाइजेशन है जो डीमन से लड़ती है और तीनों वॉरियर्स की शक्तियों को संभाल कर रखती है। अब देखो, शुरुआत में जब कोइची को इंट्रोड्यूस किया गया था ना, तो वो ना ही हीरो के साइड से था और ना ही विलेन के साइड से। उसे कोल्ड और कूल कैरेक्टर के रूप में लाया गया था। अब जब कोइची बच्चा था, तब शॉर्ट ऑर्गेनाइजेशन के कमांडर उसके माता पिता के पास आए थे ताकि वो युकेंडो और युगानो के सूट्स को मॉडिफाई करने में उनकी मदद कर सके। अब कोइची के माता पिता फैक्ट्री में ही काम कर रहे थे कि अचानक वहां आग लग जाती है और उन दोनों की जान ले लेती है। अब देखो, कोइची इसका जिम्मेदार शॉर्ट के ऑर्गेनाइजेशन पर लगाता है और इसके साथ ही वो युगानो का कोर चुरा कर युजिनो बनने में कामयाब हो जाता है। सीरीज में आगे चलकर उसे ये पता चलता है कि असल में उस फैक्ट्री में आग बैरन ब्लडी नाम के विलेन ने लगाया था, और अंत में वो केंजी और फुडुओ के साथ मिलकर डीमंस को हराने लगता है। अब देखो, युजिनो के पास अपना एक वेपन भी होता है जिसे वो एक कुल्हाड़ी या फिर तीर धनुष में भी बदल सकता है। अब हर एक वॉरियर के पास अपना एक बीस्ट भी होता है जिससे वो अपने सूट्स में मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। युजिनो के बीस्ट का नाम डेल्टा शैडो है, जिसे एक्टिवेट करने से उसके पास उड़ने की एबिलिटी आ जाती है। बाद में डेल्टा शैडो के पास एक बाइक में कन्वर्ट होने की भी एबिलिटी आ जाती है। अब दोस्तों, सीरीज के अंत में थोड़ी सी केंजी की पावर्स लेकर कोइची अल्टीमेट युजिनो में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये गोल्डन फॉर्म है जो कि बेहद ही ताकतवर होता है। नंबर टू, फुडुओ यानी युगानो। दोस्तों, ओरिजिनली फुडुओ आकिनोबो सिटी का एक नॉर्मल पुलिस ऑफिसर है। एक दिन उसे शॉर्ट की ऑर्गेनाइजेशन कॉल करके बुलाती है और कहती है, तुम्हें हमने युगानो सूट पहनने के लिए सिलेक्ट किया है। अब उसका गोर युगन डिवाइस भी उसे चूज कर लेता है। उसके अलावा एक छोटी लड़की भी सिलेक्ट होती है जो युगानो के पावर्स के साथ ज्यादा कंपैटिबल थी। लेकिन अब क्योंकि उसकी फिजिकल बॉडी इतनी पावरफुल नहीं थी, इसलिए फुडुओ उसे ये प्रॉमिस करता है कि वो युगानो बनके शहर के लोगों की रक्षा करेगा। फुडुओ और उसके गोर युगन डिवाइस के बीच का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है। अब मैं आपको बता दूं कि युकेंडो से पहले युगानो ने सीरीज में एंट्री की थी। उसने केंजी के सामने डीमंस की पूरी फौज को एक साथ खत्म कर दिया था। अब सीरीज के बाद में हमें यह पता चलता है कि केंजी और फुडुओ का मिलना और युकेंडो और युगानो में बदलना सब कुछ डेस्टिनी में ही लिखा हुआ था। युगानो का मेन वेपन उसके गन्स है, जिसे वो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करके दुश्मनों को हरा सकता है। अब शॉट के द्वारा बनाए गए अपने की के जरिए वो ड्रैगन शॉट की पावर छोड़ सकता है। इसके अलावा उसके पास ड्रैगन कैनन छोड़ने की भी पावर है। अब युगानो की बीस्ट का नाम है बस्टर वुल्फ, जो कि एक मोटरसाइकिल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अब ब्लडीज के यूएफओ अटैक में फुडुओ अपने गोल युगन डिवाइस को खो देता है, जिसके बाद उसे मॉडिफाई करके मैग्नम रूप में एक बार रिक्रिएट किया जाता है, और इससे युगानो अपना अगला फॉर्म यानी कि मैग्नार युगानो को अनलॉक कर लेता है। मैग्नार युगानो युगानो का बेस फॉर्म से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है। इसके साथ ही उसका बीस्ट भी मैग्ना वुल्फ में तब्दील हो जाता है। अब दोस्तों, फुडुओ भी सीरीज के अंत में
एनर्जी से थोड़ी पावर्स लेकर अल्टीमेट रियोगानो में तब्दील हो जाता है। अब इस फॉर्म में उसका फिनिशिंग अटैक अल्टीमेट ड्रैगन कैनन बेहद ही डिस्ट्रक्टिव फोर्स के साथ हमला करता है। नंबर 3 केंजी यानी कि रियोकेंडो। दोस्तों केंजी की स्टोरी बेहद ही नॉर्मल है। वो आकिनोबो शहर में आता है पुलिस ऑफिसर बनने के लिए। अब शहर में घुसते ही वो रियोगानो को डीमन से लड़ते हुए देखता है और बेहद ही इम्प्रेस हो जाता है। शहर में पहले दिन ही उसकी मुलाकात एक डीमन से हो जाती है। अब उसके साथ फाइट करते वक्त गेकी रियोकेन डिवाइस उसे अगला रियोकेंडो बनने के लिए चूज करता है। अब शुरुआत में गेकी रियोकेन और केंजी की रिलेशनशिप इतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन आगे चलते चलते उन दोनों की बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। रियोकेंडो का मेन वेपन उसकी तलवार है। शॉट के द्वारा बनाए गए कीज की मदद से वो अपना मूव मैडन स्लैश परफॉर्म कर सकता है। अब रियोकेंडो के पास एक से ज्यादा बीस्ट मौजूद है। उसके पहले बीस्ट का नाम ब्रेव लियोन है, जो कि मोटरसाइकिल में बदलने की शक्ति रखता है। इस पे बैठकर वो ट्रिनिटी अटैक भी कर सकता है। इसके बाद उसे फायर कॉन्ग मिलता है, जो कि रियोकेंडो का फायर बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन है। इस फॉर्म में उसका बीस्ट बड़े कैनन्स में तब्दील हो जाता है और फायर टाइप अटैक्स करने लगता है। अब फायर कॉन्ग के बाद रियोकेंडो को एक्वा शार्क मिलती है। ये एक वाटर बेस्ड बीस्ट होता है, जो कि एक होवरबोर्ड में कन्वर्ट हो सकता है और वाटर एंड आइस बेस्ड अटैक्स कर सकता है। और अंत में रियोकेंडो को थंडर ईगल मिलता है, जो कि बेहद ही पावरफुल इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड बीस्ट है। इसके पावर से रियोकेंडो उड़ भी सकता है और उसके पास थंडर को कंट्रोल करने की एबिलिटी भी आ जाती है। अब रियोकेंडो को शो में एक बहुत बड़ा पावर अप भी मिलता है, जब वो गॉड रियोकेंडो में कन्वर्ट होता है। ग्रेम गॉब्लिन गेकी रियोकेन डिवाइस को तोड़ देता है, जिसके बाद वो मॉडिफाई होकर वापस आती है और केंजी को गॉड रियोकेंडो में बदलने का मौका देती है। गॉड रियोकेंडो फॉर्म फायर वाटर और थंडर मोड्स को भी अपग्रेड कर देता है। उसका फायर कॉन्ग बर्निंग कॉन्ग में बदल जाता है और रियोकेंडो को बर्निंग रियोकेंडो फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। उसका एक्वा शार्क ब्लिजार्ड शार्क में तब्दील हो जाता है और रियोकेंडो को ब्लिजार्ड रियोकेंडो में कन्वर्ट कर देता है। और उसका थंडर ईगल लाइटनिंग ईगल में कन्वर्ट हो जाता है और रियोकेंडो को लाइटनिंग रियोकेंडो में तब्दील कर देता है। अब सीरीज के अंत में केंजी अल्टीमेट रियोकेंडो का भी फॉर्म अनलॉक कर देता है, जब उसे रॉक क्रिम्सन नाम के विलन की बॉडी में अल्टीमेट की मिलती है। और उसके बाद रियोगानो और रियोजिनो को भी लेडी गोल्ड और ब्लडी बैरन के अंदर अल्टीमेट कीज मिलती है, जिससे वो अपने इस गोल्डन फॉर्म को अनलॉक कर लेते हैं। इस अनोखे फॉर्म में तीनों अपनी शक्तियों को कंबाइन कर लेते हैं और मेन विलन डायमो को हरा देते हैं। अब क्योंकि रियोकेंडो इस सीरीज का मेन हीरो है, इसीलिए उसके पास इतनी सारी पावर्स होना स्वाभाविक बात है। आपको इन तीनों वॉरियर्स में से कौन सा सबसे फेवरेट लगा, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे मुझे ये सीरीज तो यार पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद थी। अब आप इस सीरीज पर और कौन से नए टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।